YouTube बैड अपडेट, चैनल मोनेटाइजेशन अब नहीं होगा, अब सारे मेहनत बर्बाद, ऐसे वर्ड आप YouTube पर लगातार सुनते होंगे और इस पर वीडियो वायरल होती जा रही है। दोस्तों आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि ये अपडेट है क्या चीज और क्या ये अपडेट सच में खराब है या फिर इससे कोई मतलब नहीं है। YouTube ने ऐसा क्यों किया, इसे करने से YouTube को क्या फायदा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर, जिस पर बहुत सारे क्रिएटर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि YouTube ने इस बैड मोनेटाइजेशन अपडेट को लाकर बहुत गलत किया, उन्हें ये अपडेट पसंद नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बात सबसे पहले उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये अपडेट इतना ही खराब है तो आपको आवाज उस समय उठानी चाहिए जब YouTube ने आधार कार्ड को रिमूव किया था, आधार कार्ड को अपने मोनेटाइजेशन कैटेगरी से, डॉक्यूमेंट से रिमूव किया था। उस समय ये आवाज कहां गई थी, उस समय ये ट्वीट कहां गया था, उस समय किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये मोनेटाइजेशन अपडेट खराब है। जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों और आपको भी पता होगा कि आधार कार्ड के मुकाबले पैन कार्ड बहुत कम लोगों के पास होती है, आधार कार्ड लगभग सबके पास होता है। YouTube ने इस समय जो नया अपडेट लाया है उस समय YouTube ने सिर्फ और सिर्फ आपके पैन कार्ड को रिमूव किया है अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी से। उन्होंने अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि अगर वो पैन कार्ड के साथ अपने चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं तो उनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी परेशानी आ रही है कि उनको दोबारा अपील करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहां पर सॉल्यूशन भी है कि वहां पर एक फॉर्म होता है हेल्प एंड फीड का, आप उसे मेल कर सकते हैं और वो जैसा भी हो वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोस्तों मैं बात यहाँ पर मोनेटाइजेशन की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपडेट की कि ये अपडेट कहाँ से खराब है। यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड को तो ऑप्शन है ही, मैं ये बात मानता हूँ कि हर किसी पर डीएल नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या फिर आपका पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन हर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड होता ही होता है क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से ज्यादा मायने रखता है और इसका हर जगह यूज होता है। अगर मैं अपने बिहार की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है लेकिन वोटर आईडी कार्ड वो रखते ही रखते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट आईडी है। और YouTube ने गवर्नमेंट आईडी को तो रिमूव नहीं किया है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप आराम से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, आपके पास कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास डीएल होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों ये अपडेट मुझे कहीं से भी कोई खराब नहीं लगा है, आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में बताएं कि ये अपडेट खराब है या अच्छा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।